my name, is. आपने ध्यान दिया हो तो मैं यहाँ हर कैरेक्टर के बाद में एक्स्ट्रा स्पेस नहीं दे रहा, सिर्फ कैरेक्टर लिख रहा हूँ और टैब बटन दबा रहा हूँ नेक्स्ट सेल में जंप करने के लिए। अगर नीचे वाले सेल में आना होता है तो अपन एंटर देते हैं, कोई भी वैल्यू लिखी एंटर करेंगे, नीचे 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 आते जाएंगे। राइट साइड में जाना है तो लिखने के बाद में टैब बटन का इस्तेमाल करेंगे। अशोक, PRASHANT। इस स्ट्रिंग को यहां पे कॉन्कैटेनेट करना है अपने को, ठीक है? ये फंक्शंस, टेक्स्ट और ये कॉन्कैट। ओके पे क्लिक करा, यहां पे ये डायलॉग बॉक्स आता है कि पहला टेक्स्ट कहां लिखा हुआ है, ये रहा पहला टेक्स्ट। दूसरा टेक्स्ट कहां लिखा हुआ है, ये रहा दूसरा टेक्स्ट। तीसरा टेक्स्ट कहां लिखा हुआ है, ये तीसरा। ये चौथा टेक्स्ट कहां लिखा हुआ है, ये चौथा। ए बी सी डी और ये ई, और ई के बाद में ये एफ। आगे अपना पूरा का पूरा कंप्लीट। ये ओके, ये अपन ने फंक्शंस के इस्तेमाल करा है डायरेक्ट। अब अपन डायरेक्ट पे लिखेंगे तो ये देखिए, इसको मैं मर्ज एंड सेंटर कर देता हूँ इसी लाइन के सामने ताकि अपने को पूरा पूरा दिखे। ये मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन है जिससे सारी स्ट्रिंग मर्ज एंड सेंटर दिखाई देगी। मर्ज हो के सारे सेल्स एक बन जाएंगे और जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ वो सेंटर में देखेगा। बिना स्पेस के था तो यहाँ पे भी सारी के सारी स्ट्रिंग अपनी मिक्स हो गई, सारे टेक्स्ट मिक्स हो गए। अब देखिए, हेलो डबल क्लिक करा और एक एक्स्ट्रा स्पेस दिया, टैप बटन दबाया तो देखिए यहाँ पे भी हेलो के बीच में स्पेस आ गया। ऐसे माई के बाद में करते हैं, ये एक्स्ट्रा स्पेस, टैप बटन, डबल क्लिक, स्पेस, टैप बटन। यहाँ अंदर एडिट मोड में जाने के लिए आप चाहो तो फंक्शन F2 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। F2 करते ही एडिट मोड में आ जाता है, स्पेस बार दबाएंगे, टैब, ये F2 एडिट मोड में आ गए, स्पेस, फिर टैब। लास्ट कैरेक्टर के बाद स्पेस देने की जरूरत नहीं है। तो आप देखिए, हेलो माई नेम इज अशोक प्रशांत, स्ट्रिंग दिखा दी। ये कॉन्कैटेनेट करता है, एक से ज्यादा को मिलाकर एक बना देता है। ये सारे अलग अलग सेल में लिखे हुए थे लेकिन ये मिला के एक बना दिया इसने। चलिए और देखते हैं टेक्स्ट रिलेटेड फंक्शन। ये फंक्शंस और डॉलर एग्जैक्ट फाइंड लेफ्ट, लेफ्ट साइड से कैरेक्टर की संख्या निकालता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो रिटर्न्स द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ अ टेक्स्ट स्ट्रिंग। टेक्स्ट स्ट्रिंग में से लेफ्ट साइड के कैरेक्टर्स निकालेगा। तो एक तो लेफ्ट में सबसे पहले टेक्स्ट कॉमा लगा के कितने कैरेक्टर निकालने हैं लेफ्ट में से, उसकी संख्या अपन स्पेसिफाई करते हैं। ये ओके करते हैं तो लेफ्ट, ये टेक्स्ट अपना कहाँ लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट अपन यहाँ से ले लेते हैं फिलहाल कि यहाँ पे लिखा हुआ है। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने निकालने हैं मुझे, जैसे मैंने कहा 15 कैरेक्टर्स निकाल दे इसमें से। इन कैरेक्टर्स के अंदर स्पेस भी इंक्लूड होता है, यानी स्पेस को भी अपने को काउंट करना पड़ेगा। ओके, तो देखिए क्या लिखा हुआ आया, हेलो माई नेम इज का आई तक आके रह गया। तो ये टोटल कैरेक्टर की संख्या कितनी हो गई, 15 हो गई। ये लेफ्ट में से निकाला, इसी तरीके से अपन फंक्शन का इस्तेमाल करके राइट में से भी निकाल सकते हैं। जैसा लेफ्ट है वैसे ही राइट का भी फंक्शन है, ये रहा राइट। इसे स्ट्रिंग में से निकालते हैं, ये आ गया A3 में से निकाल रहे हैं। नंबर ऑफ कैरेक्टर 15 निकाल रहे हैं पर इस बार राइट साइड में से निकाल रहे हैं। ओके, तो ये देखिए पीछे से टोटल 15 कैरेक्टर निकाल के आ रहे हैं, तो जिसमें से एक स्पेस और बाकी नाम आ रहा है। अगर मैं 14 कैरेक्टर कहता तो टोटल स्ट्रिंग अशोक प्रशांत की स्पेस को इंक्लूड करते हुए 14 आ रही है, और स्पेस को हटा दे तो 13 कैरेक्टर्स आ रहे हैं इसके अंदर। तो लेफ्ट से निकाल सकते हैं, राइट से निकाल सकते हैं। मैं टोटल गिनना चाहता हूं कि इसमें टोटल कितने कैरेक्टर लिखे हुए हैं इंक्लूडिंग स्पेस, उसके लिए भी टेस्ट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं अपन। LEN लेफ्ट के जस्ट नीचे है, LEN लेंथ निकालने का। ओके, अब
अपना टेक्स्ट जिसकी लेंथ निकालनी है ये A3 सिलेक्ट कर लिया अपन, ओके पर क्लिक करा, तो टोटल इसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं 31, लेंथ उसकी कितनी आ गई 31, इंक्लूडिंग स्पेस, एक स्पेस, दो स्पेस, तीन स्पेस, चार स्पेस और पांच स्पेस को इंक्लूड करते हुए 35, और बिना स्पेस के 26 होगी। ठीक, तो ये लेंथ निकालने का तरीका है। इसी तरीके से फंक्शंस के अंदर, फंक्शंस के अंदर जाते हैं अपन, टेक्स्ट वाले फंक्शंस में लेंथ, लेंथ के नीचे लिखा हुआ है लोअर, ये अपर केस के अंदर लिखा हुआ है, ये पता चल रहा है आपको, सारे के सारे कैपिटल लेटर्स में लिखे हुए हैं, यानी अपर केस में लिखा हुआ है। आप इसको लोअर केस में लेके आना चाहते हैं तो ये लोअर का फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके करें, और अपने को कहाँ से चाहिए, A3 का चाहिए, A3 पे क्लिक करा, ओके करा, तो देखिए सारा का सारा स्ट्रिंग अपना लोअर केस के अंदर लिखा हुआ आ गया। फंक्शंस लोअर, एक होता है प्रॉपर केस, प्रॉपर केस में हर स्ट्रिंग का फर्स्ट लेटर कैपिटल में आ जाएगा, जैसे हेलो का एच कैपिटल, माय का एम कैपिटल, नेम का एन कैपिटल, तो ये प्रॉपर कहलाता है। ओके करा, और या तो इसको कर लो या इसको कर लो, एक ही बात है, दोनों जगह लिखा हुआ है स्ट्रिंग अपना। A3 पे क्लिक करके ओके करा, तो देखिए हेलो का एच कैपिटल, माय का एम कैपिटल, नेम का एम एन कैपिटल, इसका आई, अशोक का ए, प्रशांत का बी, तो ये प्रॉपर केस हो गया। फंक्शंस में गए, टेक्स्ट फंक्शंस के अंदर अपन इसी तरीके से और बात करते हैं। राइट हो गया, सर्च हो गया, टेक्स्ट, ट्रिम, ट्रिम का इस्तेमाल बताते हैं आपको। रिमूव्स ऑल स्पेसेस फ्रॉम द टेक्स्ट स्ट्रिंग एक्सेप्ट द सिंगल स्पेस बिटवीन टू वर्ड्स। कई बार अपन लिखते लिखते एक स्पेस से ज्यादा स्पेस दे देते हैं, ठीक है, तो ये क्या करेगा, अगर एक स्पेस है तो उसको तो रिमूव नहीं करेगा, लेकिन एक से ज्यादा स्पेस, दो स्पेस हुई, पांच स्पेस हुई, तो उन सबको रिमूव कर देगा। ये अपन करते हैं इस पे क्लिक, और इसमें दे देते हैं अपन ये वाली को, ये ओके। फिलहाल इसमें कहीं एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है, मैं यहाँ ढेर सारे एक्स्ट्रा स्पेस दे देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर तो फर्क पड़ गया, हेलो ढेर सारा स्पेसेस, लेकिन नीचे देखो एज इट इज मेंटेन है, एक से ज़्यादा कितनी भी स्पेस दे दो, कहीं पे भी दे दो, जैसे नेम के आगे भी मैंने ढेर सारी स्पेस दे दी। तो देखिए यहाँ पे स्पेस शो हो रही है, लेकिन यहाँ पे ट्रिम करने के बाद में क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा स्पेसेस सारी की सारी रिमूव हो गई। जैसे अपन ने लोअर केस का इस्तेमाल करा था स्मॉल के अंदर करने के लिए, ऐसे अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं अपन, किसी भी टेक्स्ट को अपर केस में करना हो तो अपर पे क्लिक करें, अपर केस अपन लेते हैं जैसे ये वाली स्ट्रिंग, ठीक है, और ओके। तो ये यहाँ पर तो हेलो माय नेम इज, जिसमें स्पेसेस इंक्लूड है, क्योंकि फंक्शन किसका कर रहे हैं, केवल अपन A3 का कर रहे हैं इस वजह से, तो ये स्मॉल में लिखा है, इसको वापस अपर में कन्वर्ट कर दिया। तो ये टेक्स्ट से रिलेटेड सारे के सारे फंक्शंस हैं। मैं आपको डेट और टाइम वाला और बता देता हूँ, पहले बता चुका हूँ इसलिए फास्ट रिवाइज हो जाएगा आपका डेट और टाइम से रिलेटेड। डेट, डे, और इसमें आर, मिनट, टाइम, सेकेंड, टुडे, नाउ, ये सारे के सारे फंक्शंस हैं। GKLMNO, ये नाउ लिखा हुआ है, नाउ क्या करता है, डेट और टाइम दोनों को एक साथ में रिटर्न करता है। जिस भी सेल में आपने क्लिक कर रखा है वह नाउ लिख के खाली ब्रैकेट लगा के एंटर कर देंगे, जैसे ये लिखा हुआ है इजिकल टू नाउ, खाली ब्रैकेट लगाया और एंटर करेंगे तो ये इस तरीके से नाउ लिखा हुआ है, नो आर्ग्यूमेंट। तो देखिए आज 2 तारीख है, 8वां महीना है 2014, 10:36, जो सिस्टम का टाइम आ रहा है वो डेट का टाइम वहाँ ऑटोमेटिकली प्रिंट कर देगा नाउ, ठीक है। आज की डेट लिखता हूँ मैं 2-8-14,
आपने गौर करा हो तो मैंने 02 नहीं लिखा, 08 नहीं लिखा, 2014 के लिए 20 नहीं लिखा, शॉर्ट में लिखा है और एंटर करा है। जैसे ही एंटर करा है ऑटोमेटिकली इसने कंप्लीट कर दिया है, ये डेट है, ठीक है, कंप्लीट डेट है ये। कंप्लीट डेट में से डे अलग करना हो, जैसे कि इसके फंक्शंस में दिखा रहा है यहाँ पर, डे निकालना हो तो डे और किस में से निकालना है उस डेट पे क्लिक कर सकते हो या इसका सीरियल नंबर पे कर सकते हो। फिलहाल हम इस पे क्लिक कर रहे हैं और ये डेट पे क्लिक करा और ओके, तो 2 तारीख निकल गए। इसी तरीके से महीना निकालना है तो इजिकल टू एम ओ मंथ के लिए करेंगे, ये मंथ आ जाएगा, इसी डेट में से मंथ निकालना है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे, ये मंथ निकल गया। इसी तरीके से ईयर, तो वाई इजिकल टू से शुरू करेंगे, इजिकल टू वाई ए जैसे लिखेंगे यहाँ पे आ जाएगा। मैंने कहा था या तो पूरा लिख लो या इस पर डबल क्लिक कर लो या टैब बटन दबा दो, ये टैब बटन दबाए और जिस डेट में से ईयर निकालना है उसके अंदर ये मैंने लिखा 15/6/2014 यहाँ फॉर्मूला है, ऊपर पता चल जाएगा आपको, फार्मूला बार में वैल्यू दिखाने के बजाय फार्मूला दिखा रहा है, या नीचे मैं क्लिक करता हूँ तो फार्मूला बार में वैल्यूज दिखा रहा है। ये जो डेट है इसको मैं वापस डेट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, 3 टुकड़ों में लिखी है मैंने इसको, वापस डेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इजिकल टू डी ए टी, ये डेट, डबल क्लिक और सबसे पहला ऑप्शन क्या आ रहा है यहाँ पे, ईयर। तो जो फॉर्मेट ही अपने से मांग रहा है उसी फॉर्मेट में अपने को देना पड़ेगा। पहले ईयर मांग रहा है, ये ईयर सेलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाया, इसके बाद में मंथ मांग रहा है, ये मंथ सेलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाया, फिर डे मांग रहा है, ये अपन ने डे कर दिया, ब्रैकेट क्लोज करा और एंटर कर दिया। तो देखिए 15/06/2014 यहाँ पे भी क्या है, सिर्फ 6 लिखा हुआ है लेकिन यहाँ ऑटोमेटिकली 06। तो पहले अपन ने डेट लिखी और 3 टुकड़े करे, फिर अपन ने 3 टुकड़े करे और उसकी वापस डेट बनाए। इसी तरीके से टाइम वाले के अंदर भी कर सकते हैं आप, टाइम के लिए रिलेटेड, तो ये डेट एंड टाइम से रिलेटेड। अभी और भी फंक्शंस हैं, मैथ्स और टिग्नोमेट्री, अगर आप लोगों को जल्दी नहीं हो तो 10 मिनट और लेना चाहूँगा। मैथ्स और टिग्नोमेट्री के थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलेज हैं, वो 1 शॉट रिकॉर्डिंग पूरी हो जाएगी इसकी, ठीक है। एक नई शीट में आते हैं अपन, मैथ्स और टिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज का इस्तेमाल करने के लिए। फंक्शंस में आते हैं, डेट एंड टाइम के बाद में मैथ्स और टिग्नोमेट्री, इस पर क्लिक करा और जो काम के हैं कुछ उन पे आते हैं डायरेक्ट, सीलिंग फ्लोर, इंटीजर क्या करता है, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि फ्लोटिंग पॉइंट में नंबर लिखा होता है, जैसे 5.55, तो उसको डाउन करके 5 पे ले आएगा, मतलब उसके पॉइंट के आगे की सारी वैल्यू गायब कर देता है, ये इंटीजर कहलाता है। चलिए करते हैं इसको, जैसे मैंने यहाँ लिखा 5 पॉइंट कुछ भी नंबर लिखा डेसिमल में, इजिकल टू आई एन टी, जैसे मैंने लिखा है ये अपने आप फॉर्मूले शो कर देता है इंटीजर, और किसका इंटीजर निकालना है वो सेल एड्रेस दिया A1, ब्रैकेट बंद करा और एंटर करा। तो देखिए पॉइंट के बाद के सारी वैल्यूज निकाल दिए इसने। इसी तरीके से एक फंक्शन होता है राउंड, एक होता है राउंड डाउन, एक होता है राउंड अप, ठीक है। तो अपन राउंड की इस्तेमाल करते हैं, इजिकल टू RUND जैसे लिखते हैं वहाँ पर राउंड, डबल क्लिक करेंगे तो सबसे पहले नंबर, किसका राउंड करना है ये सेलेक्ट कर लिया अपन ने, नंबर, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने लेने, 0 का मतलब होता है डेसिमल के बाद में कोई प्लेस नहीं, यानी इंटीजर नंबर ले लेगा पूरा का पूरा, ठीक है। तो मैं इसको 0 कर रहा हूँ, ब्रैकेट क्लोज कर रहा हूँ और एंटर। तो ये देखिए राउंड कर दिया 4-2, ठीक है, और ये 2 के बाद में कर देता हूँ 9, यहाँ कुछ फर्क पड़ा नहीं, ये जो 4 है इसको मैं 5 कर देता हूँ, कोई फर्क पड़ा, क्या फर्क पड़ा, राउंड के अंदर अगर आधे से ज़्यादा वैल्यू है पॉइंट के अंदर तो उससे पहले इंटीजर को ये अप कर देगा, अगर आधे से कम है तो जो वैल्यूज़ है उसको एज इट इज मेंटेन रखेगा। ये देखिए
ये राउंड वाला हुआ। इसी तरीके से राउंड अप करते हैं इज इक्वल टू आर ओ यू एन डी राउंड, तो ये राउंड डाउन ये राउंड अप, तो राउंड अप में इसी वैल्यू को राउंड अप करते हैं कॉमा लगा के जीरो ब्रैकेट बंद करते हैं। ये देना बहुत ज़रूरी है, जिसका निकालना है उसका कॉमा लगा के आपको बताना पड़ेगा कि एक डेसिमल प्लेस पे निकालना है या बिना डेसिमल के निकालना है। एक निकालेंगे तो ये चार को ऊपर या नीचे कर देगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल ज़ीरो करते हैं अपन, ये देखिए सिक्स। या राउंड में तो ये इसको पाँच कर रहा है, लेकिन राउंड अप में कितनी भी वैल्यू हो उसको ऑटोमेटिकली अप ही कर रहा है, चाहे फोर लिखो चाहे टू लिखो अप कर देगा। इसी तरीके से राउंड डाउन इज इक्वल टू आर ओ यू एन, ये राउंड डाउन, तो इसी वैल्यू को ये कॉमा लगा के जीरो कर दें, डाउन कर दिया। तो ये सिंपल राउंड, ये राउंड अप, ये राउंड डाउन, ये अपन ने जीरो के साथ इस्तेमाल करा था। अब अपन वन और टू के साथ में इस्तेमाल करते हैं, ये जीरो की जगह वन, ये वन, कोई फर्क पड़ रहा है इसके अंदर? बी वन, अपने को ए वन करना है एक्चुअली। ये भी ए वन, देखिए यहाँ मैंने जीरो लिखा ए वन करके जीरो तो पांच आ रहा है, यहाँ मैंने वन लिखा तो डेसिमल के बाद में एक इंटीजर प्लेस तक ले रहा है ये। यहाँ पर जीरो है, जीरो को मैं कर देता हूँ वन, तो देखिए फाइव जीरो, यहाँ तो फोर ही ले रहा है, यहाँ पे फाइव ले लिया, बढ़ा दिया उसने ऑटोमेटिकली अब। और यहाँ पर इसने डाउन कर दिया उसको, मतलब आगे जो भी वैल्यू उसको डिस्कार्ड कर दिया। तो वन और टू इस तरीके से अफेक्ट डालते हैं कि डेसिमल प्लेसेस के बाद में एक डिजिट चाहिए, डेसिमल प्लेसेस के बाद में दो डिजिट चाहिए, तो वो आप कॉमा लगा के बताओगे कितना। यहाँ ज़्यादा वैल्यू लिखी हुई है, ये ऑटोमेटिकली नॉर्मल वैल्यू राउंड अप कर रहा है, राउंड डाउन कर रहा है। तो ये अप करने पे क्या हो रहा है, टू नाइन, नाइन की वजह से टू को क्या बना दिया है, थ्री बना दिया है। अब मैं ये देखिए यहाँ फोर कर देता हूँ, टू फोर हो रहा है, तो यहाँ देखिए टू को टू ही रखा, अप करने की वजह से इसने थ्री कर दिया और डाउन करने की वजह से इसने सिर्फ टू ही रखा है इसको। तो ये राउंड से रिलेटेड मैथ्स के फॉर्मूले हैं।